नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर और आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो। मुंबई से शिरडी जा रहा एक विमान आज शिरडी रनवे पर लैंडिंग के दौरान हादसे का शिकार होने से बाल बाल बच गया। दरअसल लैंडिंग के दौरान विमान रनवे पर फिसल गया, कुछ दूरी तक घिसट गया, लेकिन वक्त रहते पायलट ने विमान को काबू में कर लिया। विमान में 46 यात्री सवार थे। गनीमत है कि सारे सुरक्षित हैं। मुंबई में रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल का तीसरा दिन। डॉक्टरों को बनाने की सरकारी कोशिश नाकामयाब रही। डॉक्टरों का कहना है कि जब तक उनकी सुरक्षा पुख्ता नहीं की जाएगी वो काम पर नहीं लौटेंगे। हड़ताल जेजे अस्पताल में डॉक्टर की पिटाई के विरोध में हुई। डॉक्टर को पीटने का ये वीडियो जेजे अस्पताल का है। शनिवार को एक 45 साल की महिला की मौत के बाद उसके रिश्तेदारों ने डॉक्टर पर हमला कर दिया, जिसके विरोध में मुंबई के अस्पतालों के करीब 450 रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। आज लगातार तीसरे दिन डॉक्टरों की हड़ताल से मरीजों का हाल बेहाल था। डॉक्टर है ही नहीं, जो सीनियर डॉक्टर है वो सीनियर डॉक्टर लोग जो है ना बैठे हैं, बोले अभी बैठिए बाद में देखता हूँ मैं। MRI कराने के लिए साइन हॉस्पिटल तो अंदर गए, क्या हुआ? वो बोले कि अभी स्ट्राइक है, बाद में आओ। हड़ताल में जेजे, सायन, सेंट जॉर्ज, कामा और GT अस्पताल के डॉक्टर शामिल हैं। डॉक्टरों से मंत्री गिरीश महाजन ने मुलाकात की, पर वो हड़ताल तोड़ने के लिए राजी नहीं हुए। कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स छोड़ के, सपोज अलार्म सिस्टम है, अभी 1.5 साल से कुछ नहीं हुआ है, बट उन्होंने हमें 2 महीने का आश्वासन दिया है, वो लिखित स्वरूप में जब तक हमें नहीं मिलता और जो कुछ इमरजेंसी बेसिस पे होने लायक है वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, तब तक हम हमारा मास बंक और हमारी लड़ाई जारी रखें। हालांकि गिरीश महाजन का कहना है कि डॉक्टर जल्दी हड़ताल खत्म कर देंगे। आज ही शाम तक सिक्योरिटी वापस हम लोग बढ़ा देंगे उनके लिए, उन्होंने वो बात मान ली है। अलार्म बेल के लिए उनको भी पता है कि 2 महीने कम से कम उसको लगेंगे। मैंने कहा हम 1.5 महीने में 1 महीने में ये हम कर देंगे। उसके लिए भी मैंने सभी जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनको सूचित कर दिया है, और यही 2-3 उनके मांगे थी और मैंने पूरी तरह से मान ली है, और मुझे विश्वास है कि आज शाम तक दोपहर तक इनका जो अनशन चल रहा है ये खत्म हो जाएगा। पुलिस ने रेजिडेंट डॉक्टर पर हमले के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्हें 31 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। मुंबई से मयूरेश गणपते और मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। पेट्रोल के दाम आसमान को भी तोड़कर ऊपर निकल चुके हैं जी। अब तक के सबसे ज्यादा दाम है मुंबई में पेट्रोल के 85 रुपए से भी ऊपर पेट्रोल पहुंच चुका है। वो कुछ नहीं हुआ, अच्छे दिन आएंगे, कोई दिन नहीं आया, सब अच्छे दिन नहीं आ रहा, सब बुरा ही दिन आ रहा है। पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस वास्तव में पहले से तो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। आम आदमी को समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। एक हफ्ते से रोज पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। गर्मी से जूझ रही जनता को महंगाई की आग ने और झुलसा कर रख दिया है। परेशानी तो बहुत है, परेशानी का हिसाब से तो कोई हिसाब ही नहीं है इसका। अब ये मोदी सरकार कुछ करता ही नहीं है, जब जो का जब महंगा बढ़ाते रहते हैं। पेट्रोल और डीजल के प्राइसेज वास्तव में पहले से तो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, और इससे हमारा बजट भी पूरा गड़बड़ हो जाता है। गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए कि पेट्रोल की प्राइसेस कम हो चुकी है और एक नॉर्मल पर्सन अफोर्ड कर सके। डेली एक पेट्रोल बनाने आता है वो तो अपनी खुद की कार में। तो सिर्फ BJP की सरकार आई है, पहले नोटबंदी हुई, फिर ये GST हुआ, आम लोगों की हालत बहुत ख़राब है। तो जैसे अब ये पेट्रोल के प्राइस बढ़ रहे हैं या डीजल के प्राइस बढ़ रहे हैं, तो जैसे सब चीज़ों के कॉस्ट में बढ़ोतरी हो रही है। मुंबई में पेट्रोल के दाम 84.5 रुपए के करीब पहुंच गए हैं। महाराष्ट्र के दूसरे शहरों की बात करें तो जलगांव में 85.36 रुपए, औरंगाबाद में 85.01 रुपए, नागपुर में 84.88 रुपए, चंद्रपुर में 84.47 रुपए और अकोला में 84.36 रुपए तक पेट्रोल के दाम पहुंच गए हैं। सरकार का कहना है कि बढ़ोतरी का सीधा रिश्ता अंतर्राष्ट्रीय बाजार से है। ओपेक देशों ने तेल का उत्पादन घटा दिया है, कमजोर रुपए के चलते आयात महंगा हो गया है। हालांकि एक वजह ये भी है कि कर्नाटक चुनाव तक तेल कंपनियों ने दाम नहीं बढ़ाए थे। जो तीव्रता है भाव बढ़ने का, उसे कम करने का एक एक इंस्ट्रूमेंट या एक एक रास्ता सरकार का हाथ में है, और वो एक है कि रिड्यूस टैक्सेस, क्योंकि हमारा देश में पेट्रोल और डीजल का ऊपर जो टैक्स है बहुत बहुत ऊंचा है,
उसे उसे कम करना चाहिए। जो कंज्यूमर जो पे कर रहा है उसी को रिटर्न आ रहा है। जो कंज्यूमर गाड़ी जिस रोड पे चलाता है वो नेशनल हाईवेज है, गांव में जाने वाली सड़कें हैं, उनके लिए सेकंड यूज हो रहा है। तीसरा हिस्सा जो है देश की अपनी फिस्कल डेफिसिट है, उसके लिए हम तीसरा हिस्सा यूज कर रहे हैं। कर्जे बढ़ते चले जा रहे हैं, घाटा बढ़ता जा रहा है, तो ये टैक्स का पैसा जा कहां रहा है? फिलहाल सरकार दाम घटाने के लिए कोई कदम उठाती नहीं दिख रही। आशंका ये भी जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में पेट्रोल का दाम 100 रुपए के पार भी पहुंच सकता है। मुंबई से वीरेंद्र सिंह घुनावत और सौरभ वक्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो। बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा रोहिंग्या शरणार्थियों के कैंप में पहुंची। बांग्लादेश में रोहिंग्या शरणार्थियों के कैंप में प्रियंका यूनिसेफ के बैनर तले पहुंची थी। बच्चों के अधिकारों के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनिसेफ की गुडविल एम्बेसडर प्रियंका चोपड़ा ने रोहिंग्या शरणार्थियों को लेकर चिंता जताई। बांग्लादेश के इन शिविरों में लगभग 7 लाख रोहिंग्या मुसलमान रह रहे हैं। पिछले साल म्यांमार के रखाइन प्रांत में हिंसा भड़कने के बाद इन लोगों ने भागकर बांग्लादेश में शरण ली। और मुंबई मेट्रो में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। डाउनलोड करिए आज तक ऐप या विजिट करें हमारी वेबसाइट aajtak.in पर। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।